अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज देख सकते हैं फिर से बादल हो गए हैं और यार हवा भी बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। और दोस्तों अब इनको खोलते हैं और आज जो मेरा टॉपिक है ना कि हमने आज इनको खास चीज देसी चीज दोस्तों अभी आज मैंने जो इनके लिए टॉपिक है आज मैंने कि मैं देसी खुराक देता हूँ इन्हें। आज मैं देने वाला हूँ उनको चीज़ देसी खुराक। और अभी मैं पहले इनको खोलता हूँ, इनको आज बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। अब दिखाता हूँ काफी देखें और चिल करें, मज़ा आएगा। पानी पी लिया, पानी पी लेंगे तू तो हमारी पूरा पहले मिल गया। मैं उसको आ गई है और आज उसको भी खोल चुकी हूँ माथे दर्द वगैरह। और दोस्तों आज भी मेरे साथ जो हुआ ना बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, बहुत ज्यादा मेरे साथ बुरा कर रही है। ये आप देख सकते हैं कुछ हमने बाहर निकाल दी हुई है। अभी आप देखिए ये इसने अंडे दिए थे, अंडे सारे पी गए। तीन अंडे दिए थे, एक उसमें से बाहर निकाल के फेंक दिया, वो मुर्गे ने खा लिया। इतनी बड़ी तो उनकी चोंच होती है और वो ना उन्होंने खा लिया। और ये देखिए हमारे पास ये दो रह गए हैं और ये भी क्या, ये भी किसी काम के नहीं है। और अब इस वजह से ना मैं इसको एक काम कर देता हूँ, जाने की जगह तो ये होती है ना, ये मैं ऐसे कर देती हूँ। मैं बाहर आ गया हूँ, पहले इनकी ना देसी खुराक डालती। ये देखिए ये आप भी भिगो के रोटियां डाला करें क्योंकि आप जब सख्त रोटी डालते हैं ना वो इनके कोट में जाके ना मैदे में जाके वो ये ज्यादातर चबाते नहीं है और ना ऐसे ऐसे पेट में उतार देते, फिर वो गलती नहीं है, जैसे नरम नहीं होती। और वहीं पे ये आपके चूजे होते हैं ना वो एक्सपायर नहीं ढीले होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो अपने ऐसे ऐसे करना स्टार्ट हो जाते हैं। वो पानी से हम अपनी चोंच से बाहर निकालते हैं, चोंच से पानी बाहर निकालने लग जाते हैं और ऐसे करने लग जाते हैं। जब वो चीज खत्म नहीं होती ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, पानी इनके मेदे में जाएगी, मुंह में जाएगी तो ये देखिए ऐसे हो जाएगी, ये होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों एक और बात क्यों, दोस्तों एक और बात, जो गंदुम होती है, गंदुम होती है वो गर्म होती है, इनके मैदे में जो हीट होती है आप उसको ऐसे डाल देते हो उसके अंदर होती है गर्माई गर्माहट होती है, जो भी आप कह सकते हैं, वो इनके पेट में जाके मजीद हीट करेगी। फिर ये ना ये सर्वाइव अपने पेट में नहीं कर सकते। फिर ये ऐसे जो पर बुलाते हैं इनको पानी की कमी होती है और बहुत चीज़ों की कमी होती है इन्हें। और ये देख दोस्तों जो गंदुम होती है इसको रात को आप भिगो दें, सुबह उठ के फिर इनको डालें, इसके अंदर जो हीट होती है वो निकल जाती है और ये इनके पेट में जाके मैदे में जाके कोई नुकसान नहीं करेगी। और अब हम ऐसा करते हैं ये डालते हैं, मेरे बहुत ज़्यादा भूखे हैं, पकड़ लेते हैं इसमें डालते हैं। आज हमारी ना येलो परी का जो बच्चे वो एक्सपायर हो गया, पता नहीं किसने मारा है। और वो हमने उसको बचाने की कोशिश की है, अपनी मेहनत पूरी की है लेकिन वो नहीं बच सका। और इनका भी दरवाजा खोल दी तो हमारे अंदर वगैरह मुझे लगता है नहीं देने खाती हैं अंडे वगैरह नहीं देते हैं। इसको डाल देते हैं उनको अपने खा लेंगे, तब तक हम ये भी खा लेंगे, हम लक्के के अंदर ही खाते हैं ना, ये खा लेंगे। कल यार ये दोनों कबूतर हो गए लक्के और एक जोड़ा, ये दोनों ना शाम को बारिश आई थी, हमारे बहुत ज्यादा बारिश आई थी उसमें ये बहुत ज्यादा नहाए थे। और यार ये ना ऐसे नहाते रहते हैं, फिर मैंने ऐसे किया ये बाहर आ गए थे, बाहर आके यहाँ पे देखते मैंने यहाँ पे ये खुद यहाँ पे खड़े हो गए, फिर ये शराजी अंदर चले गए थे और ये खुद ब खुद ही अंदर चले गए थे। और हमारा देखे गब्बर को देखे
पढ़ रहे हैं, पता नहीं इसको क्या आ रहा है, खास मसला मुझे ऐसे पढ़ता यहाँ तो होते यहाँ पर मुझे पढ़ता यार। ये एक दिन ना ऊपर पे चढ़ी है, तो आपने शायद व्लॉग में देखा होगा, ये ऊपर की छत पे चढ़ के ना वो शेर इधर वाले ये उधर चला गया। हमारा नीचे आ गया है और हमारी रेड करी यार ये भी खा लेती है। और आपका जिसका ना बच्चा है जो मर चुका हुआ है, और ये जिसकी आज कितनी साइड हुई है, साइड देखिए कितनी ज्यादा हुई है, इसका बच्चा नहीं है और ये भी अकेली रहेगी। यार हम तो उसको कह रहे थे कि उसको अलादा तो अपने हाथ से खिलाया करेंगे, लेकिन वो तो पहले दोस्तों यार हमारा ये जो गब्बर है ना, ये गब्बर मुझे पढ़ता है और घर में किसी को भी नहीं पढ़ता। दोस्तों इस गर्मी की वजह से आप अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, क्योंकि सर्दियां होती है ये सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन अब गर्मी है, अब थोड़ा सा वो हुआ, थोड़ी सी ऊंचनी हुई ना तो ये गर्मी होती है हार्ड होती है, और आप ना इसको ठंडी डाइट दें, कोशिश करें कि आप इनको ठंडी से ठंडी डाइट दें, ताकि इनके मेदे में जाके वो हीट है उसको बाहर निकाल दें। पानी का ज्यादा ख्याल रखें, और आप पानी का सबसे ज्यादा ख्याल रखें, और इनको नमकियात की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। इनको आप लस्सी दिया करें, लस्सी जब आप खड़े होते हैं दोपहर टाइम बाहर आपने खोला है, दूध में नमक ज्यादा सारा डाल दें और लस्सी दें, लस्सी होती है पेट की गर्माई को निकाल देती है और वो इनको महफूज रखती है तब गर्मी से। तो हमारे यहाँ पर रानी है जो बाहर निकली है, और हमारी जो है रेड परी जाके उसके अंडों पर बैठ गई है। हमारी क्या है ये देखिए, इसे उठा दें, इसका भी टाइम पहले भी दो दे दिए इधर बैठी, पहले तो कभी नहीं बैठी इधर, वो तो चलो इसकी होंगे, अब अल्लाह बेहतर जानते, हम तो कुछ भी नहीं जानते। ये अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब हमारे दोनों ही चिक्स जोड़े, ये जोड़ा है जो ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। दोस्तों ये फाइटर चिक्स हमारे आपस में फाइट करते हैं, फाइट ये आपस में बहुत ही अलग किस्म के लड़ते हैं, जब इनको ज्यादा गर्मी लगती है ना गुस्सा भी ज्यादा ही आता है, और फिर आपस में ना मारते हैं। यार देखिए इसका आज बच्चा नहीं है, बच्चे की वजह से अंदर भी जा रही है बाहर आ रही है, लेकिन बच्चे को दोस्तों आप सबको पता है इनका एक डॉग होता था इस बार की हवेली में, यार इन्होंने डॉग सेल कर दिया है, यहाँ पे ना ये वाली जो जगह है यहाँ पे इन्होंने बेच दिया हुआ है, वो पता ही कितने का बेचे ये तो मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन ये मुर्गा भी ना जो है सेल करके आ गई, मुर्गा भी सेल, अच्छा मुर्गा सेल कर दिए, हाँ जी मुर्गा भी सेल हो गया, मुर्गा भी झोपड़ी झोपड़ी पे सेल करके आ गया, हम तो नहीं पता क्या पता उसकी वैक्सीन करवाने गए, और लेकिन छोपर में ही तोड़े में एक में डाल के लेके गए थे कल दोनों, शायद दोस्तों इसलिए इन्होंने लिया था कि हम इनके बच्चे लेंगे, बच्चे इनके पास आ गए हुए ऑलरेडी, और अब जिनका मुर्गा होगा उनको दे दिया हुआ है, मुर्गियां जो है पैसों की ले ली होंगी, और फिर हुए पिजन किसका है पता नहीं किसका है, अब वो उधर को चला गया है, उनको दे दिया जिनका था, मुर्गियां पैसों की ले ली होंगी, मुर्गियां भी अच्छी है हमारे, ऐसी हमारी ब्लैक परी है, वो कहता है भाई कि आपकी ब्लैक परी जैसी है, मैंने कहा फिर ब्लैक परी जैसी है तो हम आपसे ब्लैक परी के अंडे क्यों मांग रहे हो, कहते हैं कि नहीं यार ब्लैक परी आपकी कुछ और किस्म की मुर्गी है, मेरी कुछ और किस्म, मैंने कहा फिर किस्म और है तो वो मुर्गी कैसे आप कर सकते हैं। तो चलते हमने ब्लैक परी के पास जिधर हमने पिको कैग रखे हैं, आज ये चलते हैं। तो माशाल्लाह हम अपनी ब्लैक परी के पास आ गए, पिको के एग के ऊपर बैठे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा अच्छे कवर किए हुए हैं यार, बस हमारे पास
पीकॉक के जो बच्चे हैं वो खैरी सलामती आ जाएं। आप सबने भी दुआ करनी है क्योंकि हमारे पास 8 एग रखे हैं, 8 ही हमारे पास पीकॉक निकल आए ना, हमारी तो मौजे हो जानी है। दोस्तों अब चले जी, अब बाहर चलते हैं, बाहर जाके अपने सेटअप पे चलते हैं, आगे चले। दोस्तों अपने सेटअप पे आ गए हुए हैं, देखिए हम ऐसे डोर खोल देते हैं, इनका दिल करता है तो आ जाते हैं, दिल नहीं करता तो आ जाते नहीं आते हैं। और दोस्तों इनका हमें इनके साथ जबरदस्ती भी नहीं कर रहे क्योंकि यार ये अंदर अंदर रहेंगे ना ये जल्दी आग दे देंगे। और मेरे पापा का कहना है, हमारे कैमरा मैन का कहना है, भाई मानना तो पड़ेगा यार। देखिए पहले इसका बच्चा होता था, लड़ती थी आपस में दोनों, लेकिन अब फाइट नहीं कर रही। हमारी रानी को देखे, रानी है खिला पिला कर अपने बच्चों को पानी पिला कर खाना खिला कर और एग पर बैठ गई हुई है। यार ये पहले मुर्गी देख रहा हूँ जो एग को भी अपने इनके वेट कर रही है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट एंड बेल आइकन का बटन अनसब्सक्राइब जरूर से करते हैं। अल्लाह हाफिज़।